ओम शांति। 3 नवंबर 2023 की साकार मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने हमें हदों को सर्व वंश सहित समाप्त करके बेहद की बादशाही के नशे में रहने के लिए श्रीमत दी है, तथा स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनकर एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव के वरदान से वरदानित किया है। अविनाशी बाप से ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है हमें। नया ज्ञान, नई पढ़ाई रोज पढ़नी है और वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। साथ में भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म न हो, इस पर विशेष अटेंशन देना है। आज की मुरली का मुख्य टाइटल है मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। प्रश्न, किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? उत्तर, कहते हैं बनी बनाई बन रही, तो जरूर आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पार्ट समाप्त हो गया, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। गीत है ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं, जो औरों को समझा सकते हैं, वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। हमको भी साथ ले चल, है ना, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले चल। तो अभी हम समझ सकते हैं कि शिव बाबा से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको भी परम धाम ले चलो। जो भी मनुष्य मात्र है, सब कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई होती है, जो तमो प्रधान है, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाय जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है, हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है, उसमें भी मुख्य ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर जो होते हैं, उनका ही मान होता है। कितनी प्राइज मिलती है, जलवा दिखलाते हैं। तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। अब मनुष्यों को ये तो पता नहीं है कि मौत सामने है, हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं। डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब ये जरूर राजा रानी बनेंगे, टीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सावरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सावरा है नहीं। मनुष्यों को इन बातों का ज्ञान तो कुछ भी रहता नहीं है। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो, उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों का भल आत्मा का, बाबा कहते बाहर वालों को तो भल आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु नॉलेज तो नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, ये तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य है उतनी आत्माएं हैं,
मनुष्यों के शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं। आत्मा का दिव्य दृष्टि द्वारा देखो, मनुष्यों के शरीर तो स्थूल आंखों से देख सकते हैं, आत्मा को तो दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी ही है, सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं, वैसे आत्मा भी छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा की साइज तो एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी? काया भी जाता है, बनी बनाई बन रही, ये अनादि वर्ल्ड रामाचक्र लगाता रहता है। ये तुम बच्चे जानते हो, मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाती है। मच्छरों को तो इन आंखों से देखा जाता है, आत्मा को दिव्य दृष्टि बिना देख नहीं सकते। सत्युग में तो आत्मा के साक्षात्कार की दरकार ही नहीं रहती। समझते हैं कि हम आत्मा को एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेना है, परमात्मा को तो जानते ही नहीं। अगर परमात्मा को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जानना चाहिए। तो गीत में कहते हैं ना, हमको भी साथ ले चलो वो दूर के मुसाफिर, तो पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं। सबको निमंत्रण मिलता है, कितनी युक्तियां बन रही है निमंत्रण देने की। पीस पीस तो सब कहते हैं, लेकिन पीस का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। पीस कैसे होती है वह तुम जानते हो, जैसे घानी में सरसों पीस जाते हैं वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। आत्माएं नहीं पीसेंगी, वह तो चली जाएंगी, ऐसा लिखा हुआ भी है। आत्माएं मच्छरों सदृश भागती है, ऐसे तो नहीं सब परमात्माएं भागेंगे। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है ये भी नहीं जानते। कहते हैं हम सब भाई भाई है, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए। उनको ये पता नहीं है कि सत्युग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में क्षीरखंड होकर चलते हैं। वहां लून पानी की तो बात ही नहीं, यहाँ देखो अभी अभी क्षीरखंड है, अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं चीनू चीनी हिंदू भाई भाई, फिर उनका भूत बनाकर आग लगाते रहते हैं। जिस्मानी भाई भाई की यह हालत देखो, रूहानी संबंध को तो जानते नहीं। तुमको बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझना है, देह अभिमान में फंसना नहीं है। कोई कोई देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ना है, ये मकान आदि सब भूलो, वास्तव में तुम परम धाम निवासी हो। अभी अभी फिर वहां चलना है जहां से पाठ बजाने आए हैं, फिर हम तुमको सुख में भेज देंगे। तो बाप कहते हैं लायक बनना है, गॉड किंगडम स्थापन कर रहे हैं। क्राइस्ट की कोई किंगडम नहीं थी, वह तो बाद में जब लाखों क्रिश्चियन बने होंगे तब अपनी किंगडम बनाई होगी। यहाँ तो फट से सत्युगी राजाई बन जाती है, कितनी सहज बात है। बरोबर भगवान ने आकर स्थापना की है, श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा घोटाला कर दिया है। गीता में है प्राचीन राजयोग और ज्ञान, वह तो प्रायलोप हो जाता है। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बोल बैठूंगा। बाबा भी कहते हैं कि मैं कितनी भाषाएं बैठकर बोलूंगा, मुख्य तो है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वह भी हिंदी ही जानता है, तो जो इनकी भाषा है वही मैं भी बोलता हूँ, और कोई भाषा में थोड़ी पढ़ाऊंगा। मैं फ्रेंच बोलूं तो ये कैसे समझेंगे? मुख्य तो इनकी अर्थात ब्रह्मा की बात है, इनको तो पहले समझना है ना, दूसरे कोई का शरीर थोड़ी ही लेंगे। गीत में भी कहते हैं मुझे ले चलो, क्योंकि बाप और बाप के घर का तो किसको भी पता नहीं है, गपोड़ा मारते रहते हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मते हैं, इसलिए सूत मूंछा हुआ है। बाप देखो कैसे बैठे हुए हैं, ये चरण किसके हैं? किसी ने कहा शिव बाबा के,
तो फिर ब्रह्मा बाबा कहते वो तो हमारे है ना। फिर शिव बाबा कहते मैंने तो लोन लिया है। शिव बाबा तो टेम्परेरी यूज करते हैं, वैसे ये चरण तो मेरे हैं ना, ब्रह्मा बाबा के हैं चरण, शिव के मंदिर में चरण नहीं रखते हैं, चरण श्री कृष्ण के रखते हैं। शिव तो है ऊंचते ऊंच, तो उनके चरण कहाँ से आए? शिव बाबा ने उधार लिया है, चरण तो ब्रह्मा के ही है। मंदिरों में बैल दिखाया है, बैल पर सवारी कैसे होगी? बैल पर शिव बाबा कैसे बैठेंगे? शालिग्राम आत्मा सवारी करती है मनुष्य के तन पर, कोई बैल पर चढ़ने की बात नहीं है, मनुष्य रथ की बात है। आप कहते हैं मैं जो तुमको ज्ञान सुनाता हूं वो प्रायलोप हो गया है, आटे में नमक मिसल रह गया है, उसको कोई भी समझ नहीं सकते। मैं ही आकर उसका सार समझाता हूं, मैंने ही श्रीमत देकर सृष्टि चक्र का राज समझाया था। उन्होंने फिर देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखा दिया है, उनके पास तो ज्ञान है नहीं। यह है सारी ज्ञान की बात, आत्मा को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है जिससे माया का सिर काटा जाता है। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र असुरों के पिछाड़ी फेंकते हुए दिखाया है। इस स्वदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो, कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। तुम्हारे में भी कोई बिरले ये बातें धारण कर और समझा सकते हैं। नॉलेज है ऊंची, उसमें समय लगता है। पिछाड़ी में तुम्हारे में ज्ञान और योग की शक्ति रहती है। ये ड्रामा में नोंद है, उन्हों की बुद्धि भी नर्म होती जाती है। तुम वायुमंडल को शुद्ध करते हो, कितना ये गुप्त ज्ञान है। लिखा हुआ है अजामिल जैसे पापियों का उद्धार किया, परंतु उसका अर्थ भी समझते नहीं है। वह समझते हैं कि जूत में समा गया, सागर में लीन हो गया, पांच पांडव हिमालय में गल गए, प्रलय हो गई। एक तरफ दिखाते हैं वह राजयोग सीखे, फिर प्रलय दिखा दी है, और फिर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया, उसका भी अर्थ नहीं समझते। वह तो गर्भ महल में था, अंगूठा तो बच्चे चूसते हैं, कहाँ की बात कहाँ लगा दी है। मनुष्य तो जो सुनते हैं वह सत सत कहते रहते हैं, सत्युग को कोई जानते नहीं। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती ही नहीं। जैसे है कहते हैं ना कि परमात्मा को तो नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं, तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई है नहीं, एकदम बिंदी है, सूक्ष्म होने कारण ही कोई जानते नहीं। भल आकाश को भी सूक्ष्म कहा जाता है, परंतु वह तो है पोलार, पांच तत्व है ना, पांच तत्वों के शरीर में आकर प्रवेश करते हैं। वह कितनी सूक्ष्म चीज है, एकदम बिंदी है, स्टार कितना छोटा है। यहाँ परमात्मा स्टार बाजू में आकर बैठे तब तो बोल सके, कितनी सूक्ष्म बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले तो जरा भी समझ न सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, ड्रामा अनुसार जो कल पहले पार्ट बजाया है वही बजाते हैं। बच्चे समझते हैं, बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान हो गया तो रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं आते हैं तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं कि आज क्लास में क्या हुआ, यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, बाप से वर्षा क्या लेंगे, बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात नहीं है, ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है। वह मिल्कियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख न सके, बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भल करोड़ों की मिल्कियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बात है, ये भी लिखा हुआ है किसकी दबी रहेगी धूल में किसकी जलाए आग। इस समय की बातें पिछाड़ी में चली आती है, विनाश तो अभी होना है,
विनाश के बाद फिर है स्थापना, अभी वह स्थापना कर रहे हैं, वह है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे वह अपने लिए, जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा। तुम हो नए विश्व में नए भारत के मालिक बनते हो, तुम ही बनते हो ना, बाबा कहते। नए विश्व अर्थात सत्ययुग में तुम मालिक थे, अभी ये पुराना युग है, फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ का फादर कौन है? बाप कहते हैं मैं आता हूं तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। बाप समझाते हैं तुम हमारे सिकिलदे बच्चे हो, कल्प के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पार्ट है, सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा, आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में 1 जन्म के लिए देता था, अब डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है, वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, तुम सत्ययुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो, डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, बाबा बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले, तकदीरवान बनना है, नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है, वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है, बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। आज का वरदान, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। आज का स्वमान, मैं अलबेलेपन से मुक्त आत्मा हूँ, मैं अलबेलेपन से मुक्त आत्मा हूँ। विश्लेषण, जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है, उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है, उन्हें केवल ऐसा ही दिखाई देता है कि जितना भी किया बहुत किया, क्योंकि अलबेलापन है। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूं, थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं, दूसरा तीसरा क्या करता है ये नहीं देखते, मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। स्लोगन, हदों का सर्ववंश सहित समाप्त कर दो, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। आज का अव्यक्त इशारा है, सबके दिल की दुआएं बहुत अमूल्य चीज है, दिल से जिसको जितनी दुआएं मिलती है वह दिल की दुआएं जमा होती है, तो सहज पुरुषार्थ हो जाता है। सिर्फ सेवा में जी हाजिर हाँ हाजिर करके पुण्य का खाता सदा बढ़ाते रहो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 9:45, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 5:45। ओम शांति।